फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कलर को आप देख लीजिए ये कैसा कलर है। और फिर मैं इसको एक बार लॉक करता हूँ, फिर ये देखिए ये दूसरा कलर हो गया। फ्रेंड्स ये क्लियर इसलिए नहीं दिखा रहा है कि ये मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जो है ये रिकॉर्ड वाला एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर आ रहा है, इसलिए ये देखिए फिर कलर चेंज हो गया, यानी कि वॉलपेपर चेंज हो रहा है, इसलिए कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वाला सामने आ रहा है, इसलिए क्लियर आपको दिखा नहीं रहा। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए फिर चेंज हो गया कलर, यानी कि वॉलपेपर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं या फिर कैसे चालू कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक टीवी में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं। एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये देखिए होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन अमेज़न, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। या फिर ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। ये देखिए नीचे ऊपर जो सर्च बार में आप लिख सकते हैं होम स्क्रीन, होम स्क्रीन, ये देखिए आ गया दूसरे नंबर पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन अमेज़न, यहाँ पे आप क्लिक करके भी इस ऑप्शन में आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए लॉक स्क्रीन अमेज़न, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद एक पेज और ओपन होता है आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन अमेज़न, यहाँ पे ये जो देखिए ऑन किया हुआ है इसको ऑफ करना है। अगर आप ऑफ करते हैं तो आपका जो मोबाइल का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होता है वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो पाएगा, और अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा। तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे तो ये एक ही वॉलपेपर बार बार दिखाएगा, और अगर आप चाहते नहीं वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। तो आपने देख लिया, बहुत ही आसान है। तो आपने देख लिया कैसे मोबाइल के जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है उसको हम अगर बंद है तो कैसे चालू कर सकते हैं, और अगर चालू है तो कैसे बंद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।